हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं मैक्रोनी सलाद की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से बनाना इसको शुरू करते हैं। इस सलाद को बनाने के लिए हमने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रीम को हम किसी बड़ी कटोरी में डाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच मेयोनीज। अब आधी छोटी चम्मच इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देंगे। तो पहले हम इनको मिला लेते हैं अच्छे से। तो थोड़ी देर इसको हम फेंट लेंगे। इनको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक को भी एक बार मिला लेंगे ताकि चारों तरफ ये बराबर रूप से नमक चला जाए। अब डालेंगे इसमें हम पास्ता। पास्ता को हमने नमक डाल के अच्छे से उबाल लिया था, तो एक कटोरी पास्ता है, इसे हम डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर हम डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ इसमें प्याज डाल लेंगे, टमाटर डाल लेंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब हल्के हाथों से मिलाते हुए सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा मैक्रोनी सलाद रेडी है। आपने देखा ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी तैयार हो गया, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ, लेकिन इस पास्ता को आप जितना ज़्यादा फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको बनाने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रख दें और इसे ठंडा ही सर्व करें, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सलाद को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हरा धनिया से हम गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये टेस्टी और चटपटा सलाद बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।